नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का फिर से हमारे चैनल किडनी एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये जो चैनल है किडनी एक्सपीरियंस, उसमें हम हमेशा बातें करते हैं किडनी फेल हो जाने के बाद क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये हम बातें करते हैं और हमारे एक्सपीरियंस से आप सबको हम सजेशन देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल हो। तो दोस्तों, जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो हमें लगता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। और जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो एक बात जरूर आती है, वो है किडनी मैचिंग, यानी कि पेशेंट के शरीर में डोनर की किडनी चलेगी या नहीं, मैच होती है या नहीं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्लड ग्रुप मैच हो जाने से उनका ऑपरेशन हो जाएगा, वो लोग किडनी डोनेट कर सकते हैं और पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो जाएगा। ये एक गलतफहमी है। हाँ देखो, ब्लड ग्रुप मैच होना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज देखना जरूरी होता है जिसको हम बोलते हैं, जो एक रिपोर्ट करवाया जाता है जिसका नाम है HLA रिपोर्ट, जिसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA रिपोर्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमारे आंख में कोई कचरा भी गिर जाता है गलती से तो तुरंत हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम आंख मसलने लगते हैं, ठीक है, आंख में से पानी आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, यानी कि एक छोटा सा कचरा भी हमारी आंख में पड़ता है तो आंख तुरंत रिएक्ट करता है, उसको ओपोज करता है, उसके विरुद्ध में जाता है। ठीक है, अब समझ लो कि ये पूरी शरीर में एक नया अंग आने वाला है, पूरी नई नया ऑर्गन, एक नई किडनी हम डालने वाले हैं बाहर से, तो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। सीधी सी बात है, आंख में एक छोटा सा कचरा जाता है तो भी इतना कुछ हो जाता है हमको। तो एक शरीर के अंदर इतना बड़ा अंग हम नया डालने वाले हैं, ऑपरेशन करके उसके अंदर डालने वाले हैं, तो बॉडी रिएक्ट तो करेगा। और रिएक्शन उसका हमेशा ये होता है, जैसे कि किडनी को एक नया शरीर मिल रहा है, एक शरीर को एक नया अंग मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ओपोज करने का ट्राई करते हैं। तो HLA रिपोर्ट में एग्जैक्टली वही देखा जाता है कि पेशेंट का जो शरीर है वो डोनर की किडनी को कितना एक्सेप्ट करता है, कितना स्वीकार करता है। तो बस HLA रिपोर्ट में यही देखा जाता है कि डोनर की किडनी है वो पेशेंट के शरीर में कितने लंबे समय तक चलेगी, चलेगी या नहीं, ये सब देखा जाता है। तो ब्लड ग्रुप मैच हो जाने के बाद ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो हम ऑपरेशन कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सभी हॉस्पिटल्स में HLA रिपोर्ट करवाते ही है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की गलती नहीं निकाल रहा हूं और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि वहां पे ऑपरेशन खराब होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किससे सुने हैं जो मैं बात बताता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको एक ऑपरेशन में 1-1.5-2 लाख जितना प्रॉफिट मिलता होगा, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे किस्से में मैंने ऐसा सुना है कि HLA रिपोर्ट मैच नहीं होता है, फिर भी वो लोग कुछ छोटी मोटी ट्रीटमेंट करके वो ऑपरेशन कर देते हैं और वो किडनी, पहले तो हमें लगता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो किडनी 1-2 साल अच्छे से चलती है, लेकिन फिर 3-4 साल में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। हमारा बॉडी जो होता है, पेशेंट का बॉडी, वो नई वाली किडनी को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, HLA रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शायद कोई डॉक्टर आपको ये बोले कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, HLA रिपोर्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सबसे गलत बात है, क्योंकि HLA रिपोर्ट से ही पता चलता है कि डोनर की किडनी पेशेंट के शरीर में चलेगी या नहीं। ठीक है, तो ये बात अगर आप ऑपरेशन करवाने वाले हो तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे HLA रिपोर्ट के बारे में आपको देनी थी, जो एक नॉर्मल इंसान हम आसानी से समझ सकते हैं। ना ही मैं डॉक्टर हूं, ना ही इसके बारे में डिटेल में जानता हूं, लेकिन इतना जरूरी है कि HLA रिपोर्ट करवाना जरूरी होता है, वो ही डिसाइड करता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा या नहीं, किडनी कितने लंबे समय तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बस ये ध्यान रखिएगा अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है तो। और हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब की है तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम अपने एक्सपीरियंस से आप तक पहुंचाते हैं जो आपको यूजफुल रहेगी। और दूसरे भी कोई पेशेंट हो किडनी के रिलेटेड तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।